नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो है यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा है 10। अच्छा, विषय है बच्चों हिंदी। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी है तो मैं आप यहाँ पर क्या पढ़ाती हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ हिंदी और संस्कृत। तो ये जो वीडियो है वह हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने पिछले सत्र की जो परीक्षा हुई थी 2024 यूपी बोर्ड, है ना, वहाँ से मैंने ये पेपर आपके लिए लिया है। ठीक है, इस पेपर में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जो कि कितने प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी 20 प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न आता है। तो अब हम यहाँ पर आपके साथ सॉल्व करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए पहला है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो आपको एक ऐसे लेखक बताने हैं जो शुक्ल युग के नहीं है, बाकी तीनों जो लेखक हैं वह शुक्ल युग के हैं। चलिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा है भारतेंदु हरीश्चंद्र। सही उत्तर है यहाँ पर भारतेंदु हरीश्चंद्र, यानी ये जो लेखक है वह शुक्ल युग के नहीं है, बाकी तीनों लेखक शुक्ल युग के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी सुदर्शन और डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद जी, यानी पूस की रात कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी। यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, सिंदूर की होली। फोर्थ है, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक, डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीप्री और राहुल संक्रत्याय। तो कौन है जिन्होंने यात्रा व्रत लिखी थी, ये सही उत्तर है राहुल संक्रत्याय। राहुल संक्रत्याय वह लेखक है जिन्होंने कि रूस में 25 मास लिखी थी। नेक्स्ट है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी राम वृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सही उत्तर जो है वह है बच्चों मिश्र बंधुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर सेवेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कृति जो है वह रीतिकाल कवि की देन नहीं है। पहला है कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। इसका सही उत्तर है कवि प्रिया, सही उत्तर क्या है इसका कवि प्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतेंदु युग की विशेषता यानी कि प्रवृत्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीयता की भावना, बी सामाजिक चेतना का विकास, सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और डी काव्यात्मक रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। सही उत्तर है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक, नाइन्थ क्वेश्चन, वर्ष 1943 यानी 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया, ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, प्रभाकर माचवे और डी गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी और डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है, आपको कुछ आइडिया है बच्चों सही उत्तर क्या है, अगर आपने सिलेबस अभी तक आपका पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए, सही उत्तर है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये जो दो पंक्तियां आई हैं उनमें कौन सा रस है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वीर रस, बी करुण रस,
सी श्रृंगार रस और डी हास्य रस। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हास्य रस। नेक्स्ट है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, करेक्ट। नेक्स्ट है, जो सुमृत सिद्धि होए गणनायक कब वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। यानी इन पंक्तियों में क्या है, छंद आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए सोठा, बी दोहा, सी रोला और डी कुंडलिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोठा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये चारों जो शब्द दिए गए हैं आपको, उनमें से तीन ऐसे हैं जिसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है और एक ऐसा है जिसमें नहीं लगा हुआ है। तो आपको वही ढूंढ करके बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, बी अनुशासन, सी अनुत्तीर्ण और डी अनुवाद। ठीक है, इसका सही उत्तर है अनुत्तीर्ण। एक ऐसा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास, आपको समास का नाम बताना है जो कि इस पद में आया है, जो ये जो समस्त पद है इसमें आया है। ऑप्शन ए द्वंद, बी बहुप्रही, सी द्विगु और डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है बहुप्रही समास। ठीक, नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए नीरद, बी अम्बोद, सी जलद और डी जलज। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जलज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युष्मत यानी कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आंधी आई और हम सब भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताना है। ठीक है, पहला है सरल वाक्य, बी मिश्रित, सी संयुक्त और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। ये एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और लग गया है। ठीक है, यानी आंधी आई और हम सब भागने लगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कर्म वाक्य या कृत्य वाक्य। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन सही है जो कि बताना है। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके बता सकते हैं। चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बताती हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से बच्चों यह आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो इन बहुविकल्प प्रश्न में आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ लिखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने और 10th क्लास के बच्चों के साथ, जिससे कि वह भी अपनी पढ़ाई सीरियस होकर के पढ़ सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। अच्छा, मैं आने वाले समय में अपनी एक और वीडियो लेकर के आऊँगी इसी तरीके से, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनको सॉल्व करेंगे हम और आप बैठ करके। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। ठीक।